हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट में। इसका टिकट है 205 बाद, अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में आता है। तो चलिए जानते हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट के बारे में। चलिए चलते हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट के अंदर। थैंक यू। अभी हम आ गए अंदर पटाया फ्लोटिंग मार्केट के। बहुत भीड़ है यहाँ पर। ये शॉप्स हैं यहाँ पर बहुत सारी, और यू कैन बाय ट्रेडिशनल थाई क्लोथ्स। ये फोटोग्राफ के लिए साइन बोर्ड बना के रखा है लव का। बेसिकली ये मार्केट वाटर के ऊपर बिल्ड किया हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स है। इधर पर ये ट्रेडिशनल थाई क्लोथ्स हैं।
नाइस टी शर्ट्स। यहाँ पर बहुत सारे क्लोथ की दुकान हैं एंड बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर फ्रूट्स हैं और आप देख सकते हैं नारियल, मैंगो, नारियल, जैकफ्रूट। ये सब सी फूड्स हैं। ऑल्सो यू कैन डू मसाज हियर, ऑल्सो फूड मसाज आप कर सकते हैं। दे विल चार्ज यू 100 rupees, 100 फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन 50। ये थाई टी का स्टॉल है। ये थाई फूड है। जैसे कि देख सकते हैं लेडी बोट में भी फूड सर्व कर रहे हैं। ปั้นช้างเหรอปั้นช้าง
यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, चप्पल से लेके कपड़ों से लेके फूड से। और ये भाई साहब यहाँ पर क्रोकोडाइल सर्व कर रहे हैं। कपड़ों के अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप ट्रेडिशनली कुछ थाई में से खरीदना चाहते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे ऑप्शन है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। ये हाई बाम्स और हब की दुकान है। ओके, यहाँ पर बकरी को पिलाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन ईट फ्राइड ग्रास होपर्स एंड फ्राइड स्कॉर्पियन।
These are different, I think, fish pickles. यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपको. यू कैन एंजॉय डिफरेंट हाई कुजींस. I believe here they are showcasing some Thai cultures. यहाँ पर वो ये बता रहे हैं थाई कल्चर में लोग कैसे रहते थे. This is where they are showing how the Thai people used to live. इधर पर ये म्यूजियम है. 20 बार टिकट्स है एक्स्ट्रा. ये आप बोट राइड भी कर सकते हो फ्लोटिंग मार्केट के अंदर. यहाँ पर ऑप्शन आपको बहुत मिल जाते हैं.
ये थाईलैंड के लोकल प्रोडक्ट्स हैं। ये बाम्बू राइस है।冇時間得㗎，你咪計仔咯。दोस्तों इसी के साथ हमारा पटाया फ्लोटिंग मार्केट का एडवेंचर ख़त्म होता है। इट वॉज वेरी मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप पटाया आएँ तो पटाया फ्लोटिंग मार्केट अपनी टू डू लिस्ट में ज़रूर रखिए। फ्लोटिंग मार्केट में आपको एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आपको थाई कल्चर के बारे में ऑल्सो यहाँ से थोड़ा बहुत पता चलता है। तो अगर पटाया में है तो यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।